मैं गौतम गंभीर सारे युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि कल मैं शाम 5 बजे V3S मॉल लक्ष्मी नगर में वहाँ पर रहूँगा आप सभी युवाओं के सवालों के जवाब देने के लिए। तो आप सब लोग वहाँ पर आइए और मुझसे सवाल पूछिए, सारे सवालों का मैं ज़रूर जवाब दूँगा। और शायद मेरे आने की गिनती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता को ये नहीं बता पा रहे हैं कि लापता सांसद 15 साल कहाँ रहे। नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिया, हम 5 करोड़ लोगों को लाखों करोड़ रुपए देंगे। न्याय। तो अगर श्रीमती वाड्रा 5,475 दिनों का हिसाब दे दे अमेठी की जनता को तो बड़ी कृपा होगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में गांधी परिवार के गले की सबसे बड़ी फांस कोई है तब वो है स्मृति ईरानी, क्योंकि राहुल गांधी का गढ़ अमेठी जहां से वो लगातार जीतते रहे हैं, और स्मृति ईरानी जो पिछली बार चुनाव हार गई थी राहुल गांधी के खिलाफ वो फिर से उठ खड़ी हुई है राहुल गांधी के खिलाफ। और पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने जो भी एक्टिवनेस दिखाई है, जो भी काम किया है, उसका डर साफ साफ तौर पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नजर आ रहा है। और यही वो डर है जिसके चलते गांधी फैमिली और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरा का पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। राहुल की बात तो अलग है, वो वहां से सांसद है, लेकिन बात करें अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी की तो वो भी पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेठी में डेरा जमाए हुए हैं और बार बार किसी न किसी तरीके से स्मृति ईरानी पर हमले कर रही है। विकास के मुद्दे पर नहीं, किसी तरीके के डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं, बल्कि बाहरी और अंदर के मुद्दे पर वो लगातार स्टेटमेंट दे रही कि स्मृति ईरानी एक बाहरी है। चुनाव के साथ बहुत बाहरी लोग भी आ गए आपके क्षेत्र में, आप यहाँ पे झूठ फैलाने और लंबी लंबी कहानियां बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप कभी प्रियंका गांधी कह रही कि हम आपके परिवार के लोग हैं, हम आपके अपने लोग हैं, इस आधार पर हमें वोट दे दो। मतलब एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ये चीज़ें कहीं भी शोभा नहीं देती हैं कि आप हमारे परिवार के लोग हो इसलिए आप हमें वोट दे दो। यहाँ पर विकास, डेवलपमेंट, काम, उत्थान जैसी चीज़ें, गरीबों का सशक्तिकरण, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही साइडलाइन हो गई हैं। गांधी परिवार की तरफ से लगातार एक ही पॉलिटिक्स की जा रही है, अंदर का और बाहर का। बस तो जिस देखिए आप हमारे परिवार की तरह, आप जानते हैं, आपने पुश्तों से देखा है, आपके ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जो आपके गांव-गांव में गए हैं, आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, हर बुजुर्ग मिला है। प्रियंका गांधी तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी इस मामले में कतई भी पीछे नहीं, और इसका उदाहरण हाल ही में देखने में आया जब उन्होंने एक पत्र जारी किया है अमेठी की जनता के नाम, और ये पत्र वहां के कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। क्या लिखा है इस पत्र में, चलिए पढ़ते हैं। राहुल गांधी पत्र में लिखते हैं, अमेठी मेरे लिए एक परिवार की तरह है, इसकी वजह से ही मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि मैं गरीबों के दर्द को समझता हूं और उनकी आवाज़ उठाता रहूंगा। भाजपा पर भी वो बाद में आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि 15-20 उद्योगपतियों के लिए वो काम करते हैं, जबकि कांग्रेस देश, किसान, युवा, कमजोर, महिलाओं के हितों के लिए काम करती है। और इसमें मुख्य पंक्ति दिखाई देती है वो है, अमेठी उनके लिए परिवार की तरह है। और उन्होंने सबसे बड़ी ऊपर जो हेडलाइन दी है वो भी अमेठी मेरा परिवार। और अगर आप इस पूरे पत्र की हेडलाइन पर नजर डालेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से है, अमेठी मेरा परिवार, और दूसरी तरफ वो स्मृति ईरानी को बाहरी कह करके उन पर हमला कर रहे हैं। यानी उन्होंने पूरे तरीके से इसके बीच में विकास डेवलपमेंट चीजें बिल्कुल भुना दी है, गायब कर दी है, और सिर्फ स्मृति ईरानी को बाहरी करार दे करके खुद को फैमिली वाला करार दे करके चुनाव जीतने की जुगत में है। अफसोस की बात तो ये है क्योंकि ये राहुल गांधी की परंपरागत सीट है जहां पर उनसे पहले राजीव गांधी यहाँ के सांसद रहे हैं और उसके बाद में वहां के सांसद राहुल गांधी लगातार रहे, उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाया है। इसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी को इस तरीके के हथकंडे अपनाने शुरू करने पड़ रहे हैं तो क्या इसे राहुल गांधी की नाकामयाबी के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए? जब द चौपाल की टीम ने अमेठी का ग्राउंड सर्वे किया
तो वहां के जो राहुल गांधी के खास समर्थक हैं उनसे पूछा गया कि उन्होंने राहुल गांधी ने क्या कुछ काम किए हैं अमेठी में, तो देखिए उनका क्या जवाब था। राहुल जी इस देश के नेता है ना, राहुल जी इस देश के नेता है, वो इस देश के और इस देश के विकास संबंधी सारे मुद्दों को सभी को संजो कर सभी को एक साथ लेकर वो चाहिए। राहुल जी के पांच काम पांच ही बोले भाई, 10 साल रहे हो यहाँ पे, 1 साल का एक काम लगा लूं तो भी 10 बनेंगे जी, आप गिना दें। नहीं एक तो बता दें, सबसे पहला काम जो मेगा फूड पार्क जो उन्होंने इस क्षेत्र में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, लेकिन उसको यहां पर नहीं लगने दिया माननीय मोदी जी के द्वारा। तो इस तरीके से राहुल गांधी के जो खास कार्यकर्ता है समर्थक है वो खुद भी गिना नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी के लिए क्या किया, जबकि अगर दूसरी तरफ आप भाजपा के कार्यकर्ताओं पर नजर डालेंगे तो उनके पास में 100 कमियां हैं गिनाने के लिए कि राहुल गांधी को वहां का सांसद क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो सुनिए जरा एक भाजपा समर्थक जो अमेठी से हैं वो क्या कहता है। बाईपास राहुल गांधी की वजह से नहीं बना और जीते हैं तो उन्हीं को बनवाना चाहिए, और 15 साल से है क्यों बाईपास नहीं बना है, और उसके बाद ओवर ब्रिज क्यों नहीं बना, 15 साल से हैं अमेठी राष्ट्रीय नेता हैं, उनको यहाँ स्वर्ग कर देना चाहिए था राजीव गांधी। पैसा 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 क्या जेब में रखना, वो सिर्फ राजीव जी के समय तक विकास था, राहुल जी जब से हुए हैं 15 साल इनकी गवर्नमेंट भी थी, आते हैं केवल टाटा बाय करके चले जाते हैं। साफ साफ ये है विकास के नाम पर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं इन्होंने भी जो है सांसद यहाँ पर रहे हैं हमेशा, ये 15 साल से इनकी गवर्नमेंट भी थी जो है केंद्र में, यहाँ के विशेष रूप से यहाँ के मुद्दे पर इन्होंने कोई बात जो है कभी नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने देश के लिए जो किया है, आज घर घर लोगों के पास शौचालय सिलेंडर जैसी व्यवस्था की है, वो तो पिकनिक मनाने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पर आते हैं और पिकनिक मना के चले जाते हैं, वो यहाँ पे सैलानी समझ के आते हैं और इसलिए कोई विकास के नाम पे नहीं है। सामने आपका बाईपास है, आज यहाँ पे बाईपास नहीं कह सकते, इसको स्विमिंग पूल कह सकते हैं, जो आज इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि इसमें स्विमिंग पूल है, और शायद हमें ये लग रहा है कि अगर बरसात के सीजन में 4 फीट का आदमी 5 फीट का आदमी जाएगा तो उसको निकालने के लिए 2-3 लोग घुसने में भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये बेसिक फर्क है जो नजर आता है बीजेपी और कांग्रेस में अमेठी में, क्योंकि कांग्रेस इसे परंपरागत सीट मान करके लड़ रही है और कहती है कि हमारा इसका परिवारवादी अधिकार है, जबकि स्मृति ईरानी दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का लगातार सर्वे कर रही है, उनसे मिल रही है, उन गांवों तक भी स्मृति ईरानी पहुंच रही है जहां तक शायद राहुल गांधी कभी भी नहीं पहुंचे हैं, और इसका परिणाम तो 23 मई को देखने को मिल ही जाएगा कि क्या स्मृति ईरानी को उनकी मेहनत का फल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं द चौपाल .com, मैं युवराज, और इसी तरीके के वीडियोज और बातें रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक जरूर करें, और अगर आपके पास में भी इसी तरीके के वीडियोज जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं आप दिखाए जाए ईमेल अकाउंट पर अपने वीडियोज हमें जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।